चलिए नमस्कार यार आज ये जल्दी से दोस्तों और आज हम चलने वाले हैं साठ क्वेश्चन और सिक्सटी मिनट में रैपिड फायर राउंड में आज हम हमारे पास एनिमेशन नहीं, नहीं है गाइस वो लिखा रह गया है उसमें है ना तो आज नहीं है बट हम सिक्सटी आवाज आ रही ठीक है हम लोग सिक्सटी क्वेश्चन करेंगे मेरे को लगता है कि शायद हम लोगों का वो एक अच्छा नॉलेज है कि, हम लोग 50 क्वेश्चंस तक आंसर कर पाएंगे सो आउट ऑफ 60 ठीक है ना आउट ऑफ 60 देखो आवाज आवाज ठीक है ना देखो एक बार आवाज कैसी आ रही गूंज रही है जस्ट गिव मी वन मिनट यार चलिए आप ठीक है मेरे, मेरे ख्याल से अब ठीक है इको साउंड हो गया होगा ठीक अब नहीं इको साउंड आ रहा है अभी ना अच्छा मतलब आज एक, एक दीपक, दीपक दो दीपक, दीपक है राइट हेलो इको साउंड अभी भी आ रहा है यानक वाला आ रहा है तो कहीं और माइक कौन है और कौन सा आप क्लियर है आप क्लियर है दोस्तों एक मिनट यस इट्स लाइक यू आर एड्रेसिंग दी मोहल्ला नहीं नहीं अभी भी बहुत आवाज आ रही है यार क्लियर हो गया है अब चलिए आप कह रहे हैं क्लियर हो गया है देखते हैं अब हैं चलिए अब क्लियर है शुरू करते हैं ऑल है? ओके okay हो गया है कहा आ रहा है आवाज कितनी गुंज रही है अच्छा चलो पहले क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं जल्दी से और देखते हैं हमारे पास क्या है स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है और देखते हैं हमारे पास क्या है और गाइज आज के क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं बस रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और देखते हैं कि कहां पर हम शुरू करेंगे चलिए आ जाइए जल्दी से और स्प्रेड कर दीजिए लाइक like कर दीजिए सेशन और जल्दी से आगे बढ़ चलते हैं चलिए आपको एक स्लाइड पे थर्टी सेकेंड मिल सकता है बस एक स्लाइड पे थर्टी सेकेंड यू गेट गेट फ्रॉम माय साइड एंड आई बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वेरी वेरी फास्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड वेरी वेरी फास्ट और जल्दी जल्दी आज हम लोग देखेंगे और तीस क्वेश्चन ग्रामर के हैं गाइस और तीस क्वेश्चन जो है वो है आपके किस चीज के तीस क्वेश्चन आपके ग्रामर के हैं और तीस क्वेश्चन है आपके वैबलरी के तो आप अपनी परफॉर्मेंस दोनों में चेक कर सकते हैं ठीक है दोनों क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन के क्या आंसर है पहले क्वेश्चन के क्या आंसर है जल्दी बताइए आ जाइए जल्दी से सीजर एक कैसा वर्ड है जल्दी बता दीजिए सीजर एक प्लूरल वर्ड है उसके साथ कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे सीजर एक प्लूरल वर्ड है उसके साथ कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे राइट right? दूसरे क्वेश्चन में वो बोलना चाहते हैं कि इंग्लिश जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं दूसरे में वो बोलना चाहते हैं जो इंग्लिश लोग हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं राइट right? तो यहां पर जब मैं लिखूंगा द इंग्लिश तो इसका मतलब सारे अंग्रेज लोग और इंग्लिश बोलते हैं तो लैंग्वेज के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता ये ध्यान रखना द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश राइट तो ये ध्यान रखिएगा चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चल चलते हैं जल्दी बताइए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए जल्दी देख लीजिए कितने क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं साठ में आई वुड बी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट फिफ्टी क्वेश्चन और दिस इज गोइंग टू बी यू नो लाइक द बुलेट ट्रेन टूडे ओके गाइस सॉरी आज कोई एनिमेशन नहीं है उसमें क्योंकि आज के कितने थोड़ा सा स्पीड क्वेश्चन कराने थे देखने के लिए कि कितना तैयारी आपका है और मेक श्योर यू लाइक द सेशन और स्प्रेड इट टू अदर पीपल चलिए डैश अराउंड सन जितनी भी यूनिवर्सल चीजें हैं उनके सबके साथ आप द लगाते हो द अर्थ मूव अराउंड दी सन और गाइस साइंस के साथ मुझे नहीं लगता आपको किसी आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर जो है नो आर्टिकल आएगा साइंस में मुझे नहीं लगता आपको किसी आर्टिकल की जरूरत पड़ती है तो यहां पर क्या आएगा नो आर्टिकल द अर्थ मूव्स अराउंड सन और साइंस हैज चेंज आर लाइफ राइट साइंस हैज चेंज आर लाइफ ओके चलिए बढ़िए नेक्स्ट की तरफ आ जाइए फिफ्थ नंबर और सिक्सथ नंबर जल्दी बता दीजिए क्या आंसर होगा आपका जो गलत हो बस उतने कैलकुलेट कर लेना हंड्रेड में सॉरी सिक्सटी में से एंड वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी क्विक आई कैन नॉट टॉलरेट डैश ठीक है सेपरेटेड यू योर सेपरेशन सेपरेशन फ्रॉम यू और नन ऑफ दीज चलिए बताइए फिफ्थ नंबर गाड़ी फोर पे नहीं अटकी है फिफ्थ पे आइए जल्दी से हां हां देखिए तीस में कितना नंबर आ रहा है आ जाइए नेक्स्ट वन पे देखिए जल्दी से क्या है आई नॉट टॉलरेट ये बोलते हैं गाइस सेपरेशन फ्रॉम यू राइट योर सेपरेशन नहीं बोल सकते ये हम बोलेंगे आई नॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम यू और अजय का कंपैरिजन हो रहा है सिक्स में देखिए सिक्स में अजय को कंपेयर किया जा रहा है ठीक है तो ये ध्यान रखना अजय इज मोर स्मार्ट देन अब अगर मैं बोलू तो वैसे यहाँ पर स्मार्टर आना चाहिए था ठीक है बट ठीक है वो चल जाएगा अब यहां पर अजय है सब्जेक्ट है तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा अजय सब्जेक्ट है तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा हमारा आंसर क्या आएगा सी फॉर कैट राइट हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों सी फॉर कैट देख लीजिए जल्दी से और हमारे आंसर मिलते जा रहे हैं और आप आज अपने आप को चेक करिए किस लेवल पे बैठे हैं और मेरा मानना है यार अगर आप ये कर लेते हैं तो आप फिर बाकी में इतना क्यों परेशान रहेंगे राइट right? अब हफ्ते में एक बार मैं सिक्सटी का राउंड खेला करूंगा जिसमें आई विल बी यू नो जैसे जो इस तरह के क्वेश्चन आज लिए उससे थोड़ा अलग अगली बार लेंगे राइट right? चलिए नेक्स्ट वन आ जाइए जल्दी से बताइए जरा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जल्दी बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यस फेवर फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू होता है या फिर होता है सेपरेशन फ्रॉम यू हर होम वॉज अ प्रेजन बता दीजिए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आप लगाएंगे हर होम वॉज अ प्रेजन दा और दी अरे यार दा होता है जब आप अपना क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हो और दी होता है जब आप वाउल साउंड बोलते हो सिक्सटी सिक्सटी का मैच है सौम्या बेफ कर रही है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए चलिए हर होम वॉज अ प्रेजेंट यहाँ पर उसके घर को एक जेल की तरह बोला गया है तो गाइज ये आंसर है मेटाफर यानी आपने उसके घर को एक जेल बोला आपने एक मेटाफर असाइन कर दी और क्योस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन आपने यहां पर क्योस जो है वो दोस्त बोला तो यहां पर भी आपका मेटाफर ही है परसोनिफिकेशन नहीं है यहां पर ये ध्यान रखना क्योस अगर आप ये मानते हैं कि फ्रेंड हमेशा लिविंग होते हैं तो समझिए कई लोगों की फ्रेंड नेचर होती है कई लोगों की फ्रेंड तन्हाई होती है, है ना और तन्हाई तो बहुत ही लोगों की फ्रेंड है है ना जब जीवन में कुछ हो जाए तो चल दो तन्हाई की तरफ चल दो अपने आप को दुखों की तरफ लेके ठीक है तो मैं मानूंगा ये क्या है इज अ फ्रेंड ऑफ मेरे जीवन में बबाल ही बबाल है यानी मेरा जीवन जो है वो तो क्योस से भरा पड़ा है वो तो अब मेरा दोस्त बन चुका है। ये, है ये भी आपका मेटाफर है ये भी आपका मेटाफर है ये भी आपका मेटाफर है दोनों आपके मेटाफर निकले दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जल्दी आ जाइए जल्दी जल्दी दीजिए आंसर सर मेरी भी तन्हाई फ्रेंड है अच्छा अच्छा दोस्त है आपका नाम है उसका तन्हाई नाम तो नहीं सुना मैंने किसी का चलिए आ जाइए जल्दी से स्प्रेड कर दीजिए यार सेशन सिक्सटी में सिक्सटी लाने हैं देखो किसको वो कह रहा है ओरिजिनल कॉपीज है ओरिजिनल भी मांग रहा है और कॉपीज भी मांग रहा है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और जब ऑपोजिट चीजें एडजेंट हो जब ऑपोजिट चीजें एडजा हो तो ये ध्यान रखिएगा वो कहलाती है ऑग्जीमोरॉन जब ऑपोजिट चीजें एडजेंट हो तो, तो दैट इज ऑग्जी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट देखिए वेन ही केम आउट ऑफ द हाउस ऑफ हिज डिसीज फ्रेंड एवरीथिंग लुक टू हिम वीपिंग ऐसे लग रहा था सारा संसार उसका रो रहा है एक मिनट दे दीजिए जरा हाँ जी ग्यारह और बारह नंबर पे आ गई आवाज आ गई है चलो आ जाइए ग्यारह और बारह नंबर में बता दीजिए क्या आंसर है यार इसमें वॉइस नहीं आ रही है अनुराग आवाज नहीं आ रही है हेलो आ रहा हूँ आ रहा हूँ ऑडिबल नहीं है अब हेलो अब कहा है? अब आई है आवाज देखो ना ऊपर चलो जी आ जाओ आवाज आ गई है ठीक है चलो 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 जल्दी करो अब आ जाइए चलिए देखिए यहां पर अगर वो बोल रहा है तो हम हमेशा से मैं आपको हजार बार बता चुका हूं एक ही रूल कि पहले सेकंड पर्सन बोलते हैं फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन ठीक है पहले सेकंड पर्सन बोलते हैं फिर हम बोलते हैं क्या थर्ड पर्सन और फिर हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन राइट तो अगर हम देखें तो हमारे पास सेकेंड पर्सन कहीं नहीं है यहां पर हमारे पास रोहन थर्ड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट है तो हमारा आंसर होगा रोहन एंड आई ठीक है हमारा आंसर क्या होगा रोहन एंड आई राइट ये ध्यान रखिएगा चलिए अनलेस और अंटिल जो है गाइस वो ज्यादातर आपको ध्यान रखना एक तो फ्यूचर में नहीं मिलेंगे नेगेटिव में नहीं मिलेंगे और अगर आपको आगे विल दे रखा है तो इसका मतलब पीछे प्रेजेंट है तभी आगे विल आता है तो यहां पर आंसर बनेगा अनलेस ही लीव दिस ऑफिस अनलेस ही लीव दिस ऑफिस ठीक है ना और क्या आएगा आई विल नॉट से एनी थिंग जब तक कि वो इस ऑफिस को लीव नहीं करता है मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा तो यहां पर आंसर आया डी फॉर डेली यहां पर आया सी फॉर कैट चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए और गाइस ये टेंस के क्वेश्चन काफी आते हैं आपके पेपरों में कल भी मैं पेपर्स देख रहा था तो काफी क्वेश्चंस आपको टेंस के दिख सकते हैं ऐसे ठीक है जल्दी जल्दी बना दीजिए तेरह नंबर और चौदह नंबर थर्टीन और फोर्टीन नंबर का व्हाट कुड बी दी बेस्ट पॉसिबल आंसर चलिए हर स्लाइड पे मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए बीस सेकेंड दूंगा राइट आई एल बी गिविंग ट्वेंटी सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन और यू कैन प्रिपेयर योर आंसर फॉर दिस चलिए डू इट फास्ट यार और मेक श्योर यू स्प्रेड इट टू अदर पीपल एंड यू नो लाइक द सेशन जल्दी जल्दी जुड़ जाइए देखिए क्या है यहां पर यहां पर है दोस्तों आई डैश आई वुड हेल्प ऑल द पुअर अगर मैं रिच होता होता वाली सिचुएशन में क्या आएगा वर आएगा अगर मैं रिच होता तो होता वाली सिचुएशन वर पे जाएगी दोस्तों ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आ जाइए मैंने एक घंटे पहले न्यूज सुनी तो गाइज ये ध्यान रख लेना अगर कोई काम आपने कुछ टाइम पहले करा है एक घंटे पहले और वो काम वहीं खत्म हो गया तो उसको हम पास्ट में बनाते हैं तो यहां पर आएगा आई आए, हर्ड क्या आएगा आई हर्ड द न्यूज एन आर अगो आई हर्ड द न्यूज एन आर अगो ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़िए आगे देखते हैं जल्दी से क्या हमारे आंसर बन पा रहे हैं आइए नेक्स्ट वन देखिए जल्दी बनाइए इसमें क्या आंसर आएगा फिफ्टीन नंबर टोटल कैलकुलेट कर लेना लास्ट में आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर दैट टोटल विद मी और आई वुड बी एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ यू स्कोरिंग फिफ्टी और फोर्टी टू फिफ्टी के अराउंड में आई वॉन्ट ऑलमोस्ट एवरी वन ओके सो आई डोंट सी एनी वन गोइंग बिलो फोर्टीन फोर्टी ठीक है एंड सम ऑफ यू माइट बी क्रॉसिंग फिफ्टी एज वेल आई स्ट्रॉगली बिलीव सो चलिए नो बडी ट्रस्ट अ मैन एडिक्टेड क्या आंसर आ जाएगा guys, 15 अंदर नो बडी मैन एडिक्टेड एडिक्टेड के साथ टू प्रशन आती है और फिर आपके आगे जेरंड आ जाता है. एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग राइट तो 15 में हमारा क्या आंसर आएगा एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ चलिए दोस्तों आ जाइए जल्दी से क्या है हमारे पास इनमें प्रेपोजिशन लगाकर साइड कर दीजिए इन्हें अच्छा यार यहां पर ये टू है ठीक है ये अगर बाहर जा रहा है तो लिख देता हूं ये टू है है ना ये थोड़ा सा आउटसाइड हो गया इसको थोड़ा कैमरा ठीक नहीं है भाई यहां पर ये है वर्क डन ठीक है वर्क डन ध्यान रखिएगा हाँ जी गिव मी एन एग्जाम्पल परटिनेंट डैश द केस जल्दी बता दीजिए तीनों प्रोजिशन के आंसर माई वॉइस रिवर्बिट्रेटेड डैश द वॉल ऑफ द कासल ठीक है और रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट डैश द वर्क डन बाय अस मुकेश मैं ठीक हूं यार सब सबकी ठीक है वॉइस प्रेम जयर अभी नहीं बताऊंगा आज तो मेरे को आंसर्स बताने हैं बस चलिए यहां पर आएगा पर्टिनेंट के साथ एक ही फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है रेलेवेंट तो आपका सिक्सटीन का आंसर आएगा टू ठीक है यहां पर ये टू है यार अगर बाहर देखना रहा हो तो टू है ये ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी वॉइस जो है वो कासल से गूंज कर आई वापस तो रीवर्बिट्रेटेड फ्रॉम दी वॉल्स यहां पर क्या आएगा रीवर्बिट्रेट इसको हम बोलते हैं गूंजना इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों गूंजना ठीक है रीवर्बिट्रेटेड फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ दैसल और कोमेंसुरट का मतलब होता है बराबर का होना को बराबर का होना यानी जितना आप मुझसे काम करा रहे हो उतना पैसा दे दो मुझे तो यहां पर बोलेंगे द रिवॉर्ड वॉज नॉट कूमैसुरट विद ठीक है द रिवॉर्ड वॉज नॉट को मैंट विद राइट तो ध्यान रखिएगा एटीन में क्या आ रहा है द रिवॉर्ड वॉज नॉट को मैंट विद द हार्ड वर्क डन बाय चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए मैं एक बार आंसर दोबारा बता देता हूं ये टू है यहां पर फ्रॉम है और यहां पर विद है आ जाइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए यहां पर ये ऑन है ध्यान रखना जो भी बाहर जा रहा है मैं यहां साइड में लिख देता हूं चलिए आवर ट्रेजिक एक्सपीरियंस इन द रीसेंट पास प्रोवाइड एन इंडेक्स लॉलेसनेस इन द रीजन मैं बिल्कुल ठीक हूँ फूफा जी फूफा जी पूछ रहे हैं हाल हमारा एक दो बार मैंने नहीं देखा तो मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ ठीक है चलिए 19, अरे यार 19 के बाद 21 पता नहीं कैसे आ गया ये ठीक है काउंटिंग में गलती हो गई चलिए अवर ट्रेजिक एक्सपीरियंस इन द रिस प्रोवाइड एन इंडेक्स डैश ठीक है और अ गुड जज नेवर ग्रॉप्स और रॉबर हैड डैश द बूटी बिफोर द पुलिस अराइव्ड चलिए ऑल थ्री आंसर दीजिए जल्दी से कोशिश करना है बस आपको जो जो समझ में आता जा रहा है वो दीजिए इंडेक्स ऑफ द स्टेट ऑफ द लॉलेसनेस इन द रीजन तो पहला आंसर आया ऑफ ठीक है पहला आंसर आया है ऑफ नेक्स्ट में आ जाइए अ गुड जज नेवर ग्रॉप्स ग्रोप मतलब होता है टटोलना अगर हिंदी में बोलते ना टटोलना बोलते रामेजिंग बोलते हैं लाइक अपने बैग में से कुछ ढूंढ के निकाल रहे हो ठीक है ना तो उसको हम बोलते हैं ग्रोप्स करना और ग्रोप्स फॉर दी कंक्लूजन अ गुड जज नेवर ग्रोप्स फॉर दी कंक्लूजन और रॉबर्स जो है वो बूटी के साथ भाग गए है ना जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो यानी वो डिकैम्प डिकैम्प होता है भाग जाना ठीक है क्या होता है गाइस भाग जाना तो वो बूटी के साथ भाग गए डिकैम्प्ड विद द बूटी बूटी होता है लूट का माल जो उन्होंने लूटा हुआ माल होता है उसको हम बूटी बोल सकते हैं तो डिकैम्प्ड विद द बूटी तो हमारा यहां पर आंसर आया फोर यहां पर आंसर आया ऑफ और यहां पर आंसर आया विथ कैलकुलेट करते रहना और बेमानी वाली कोई स्कोप नहीं है बेमानी का कोई स्कोप नहीं है ध्यान रखना Portal पर आज रीट की क्लास होगी सवा नौ बजे ठीक है पोर्टल पे रीट की क्लास है और उसमें जिसमें यूपी और वो सब आते हैं हमारे है ना सवा नौ बजे है और आपका डी ट्रिपल एस पेड बैच में भी क्लास है राइट और वो कैब के पेड बैच में भी टेन फिफ्टीन क्लास है चलिए नेक्स्ट लगा दीजिए जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या आंसर बन रहा है जल्दी बता दीजिए क्या आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव है ना और मेरे को ये नाइन फिफ्टीन तक कराने ही कराने हैं हर हाल में चाहे मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड बढ़ानी पड़े मुझे चलिए इन द हार्ट ऑफ एवरी सिटीजन नेताजी इज हेल्ड डैश ग्रेट रिस्पेक्ट चलिए आ जाइए दोस्तों जल्दी से हाँ कोई बेईमानी और पलटी नहीं मारेगा ये बहुत देखे है, मैंने पलटी मारते बेईमानी करते राहुल देव आपको हो क्या राहुल यादव हो क्या गया है भ्रष्टाचार का हथोड़ा तो नहीं पड़ गया है सर पे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी और हर वीडियो में लिखते हो यार आप वॉट इज दर्पस बिहाइंड इट भ्रष्टाचारी डायलॉग इज अ राइट ऑफ दीपक चौहान यू आर नॉट अलाउड टू यूज भ्रष्टाचारी अगेन एंड अगेन चलिए हां ट्वेंटी थर्ड ओके इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन नेताजी इज हेल्ड इन हेल्ड इन का मतलब एक स्थान रखते हैं नेता इज नेताजी इज हेल्ड इन अ ग्रेट प्लेस चलिए बस स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि बैटरी क्या हो गई है बैटरी रन डाउन हो गई है ठीक है बस स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि बैटरी क्या हो गई है बैटरी रन डाउन हो गई है ध्यान रखिएगा मनोज जो कि सत्रह ईयर ओल्ड बॉय है ठीक है ना अगर जब आप ये हाइफोनेटेड लगाते हो जब आप ये हाइफोनेटेड लगाते हो तो ये ध्यान रखना इसमें आप कोई भी प्लूरल नहीं लगाओगे राइट तो ये ध्यान रखना यहां पर आएगा सेवनटीन ईयर ओल्ड ट्वेंटी फाइव का आंसर क्या आएगा सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड नहीं बोलेंगे सेवनटीन ईयर ओल्ड बोलोगे राइट right? ये ध्यान रखिएगा जैसे अगर मैं बोलू टू ईयर कोर्स टू ईयर्स कोर्स नहीं टू ईयर कोर्स है ना तो ये ध्यान रखना आई हैव अटेंडेड अ ईयर या थ्री ईयर कोर्स इन डी यू राइट तो ये ध्यान रखना हमारा आंसर है ये बी फॉर बॉम्बे आ जाइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं यहां पर बताइए ये कौन सा आंसर बनेगा ट्वेंटी सिक्स के अंदर ट्वेंटी सिक्स के अंदर विच वन वुड बी दी करेक्ट आंसर अरे फूफा जी यार मैं गुड मॉर्निंग भी कर चुका हूं आपको बता भी चुका हूं बिल्कुल मैं बिल्कुल सही हूं आप ही के सामने खड़ा हूं भूफा जी को लगता है बहुत ख्याल है हमारा वीडियो में दस बार पूछ ही लेते हाउ आर यू? चलिए दैट्स ग्रेट। चलिए मेड टू सरेंडर द पासपोर्ट। इसका मतलब यहां पर ये यह ऑलरेडी राहुल देव जी सॉरी वाली कोई बात ही नहीं करी आपने जो आप सॉरी बोलेंगे देर इज नो पर्पज ऑफ से सॉरी बड़ा कीमती वर्ड है <laughs> बहुत कम बोला करें चलिए अगर मैं लू यहां पर ही वॉज मेड टू सरेंडर तो वॉज वर थर्ड है तो यहां से मिलकर आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म में वापस बनेगा ठीक है ना तो मुझे लगता है अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट बी फॉर बॉम्बे कुड बी अ द बेस्ट पॉसिबल वर्ड हेयर बी फॉर बॉम्बे कुड बी अ बेस्ट पॉसिबल वर्ड हेयर फॉर दर्सन चलिए आ जाइए ट्वेंटी सेवन पे देख लीजिए क्या आएगा ट्वेंटी सेवन पे देख लीजिए जल्दी आ जाइए दोस्तों हर नेबर लाफ्ड एट हर क्या आंसर बनेगा हर नेबर लाव्ड एट हर आंसर बना दीजिए ट्वेंटी सेवन का ऑन अ क्विक नोट और मेक श्योर एवरी वन लाइक्स दिस सेशन एंड स्प्रेड इट टू अदर पीपल और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है ठीक है ये ध्यान रखिएगा ममता सॉरी यार आज एक्सप्लेन मत कराओ काम बहुत ज्यादा है और वीक में यार एक सेशन 60 क्वेश्चन का आप रखिए जिसमें आप प्रेशर सिचुएशन के अंदर देख पाए कि हाउ यू परफॉर्म ओके वेयर यू कैन इन प्रेशर सिचुएशन दैट हाउ डू यू परफॉर्म देखिए लाफ्ड एट है तो ये अगर ये है तो इसका आंसर वॉज थर्ड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का आंसर वॉज थर्ड होता है राइट right? तो आप देख लीजिए वर थर्ड यहां पे भी है यहां पे भी है बट अगर यहां पे लाफ एट है तो वहां पे भी लाफ एट आएगा ठीक है तो वहां पर लाफ एट आएगा ये ध्यान रखना हमारा आंसर है शी वॉज लाफ एट बाय हर नेबर्स क्या आएगा ट्वेंटी सेवन में शी वॉज लाव एट बाय हर नेबर्स ठीक है ये ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों अरे ये तो बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है हाँ जी ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया यार एकदम घबराइएगा मत है ना आन जी फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो गया आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ सेंटेंसेज गिवन बिलो हाउ वेल शी सिंग्स टॉपिक वाइज शीतल गुप्ता अगर आप वीडियो जाकर देखेंगे बहुत पहले करा चुका हूं टॉपिक वाइज मैंने पहले बहुत सीरीज चलाई है उनको आप देख सकते हैं अध्ययन मंत्रा के चैनल पर राइट टॉपिक वाइज में ना मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि पता है टॉपिक कौन सा है है ना नाउन की ही एरर ढूंढनी है चलो चलिए नेक्स्ट वन आ जाइए द टाइप ऑफ सेंटेंस हाउ वेल शी गाइस क्लियर क्लियर पता चल रहा है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है डी फॉर डेली ये ध्यान रखिए आ जाइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए क्या है हमारे पास जल्दी से बता दीजिए और ये तीस क्वेश्चन आज हम ग्रामर के यहीं खत्म करेंगे और फिर चलेगा महासंग्राम वो पर देखेंगे कि कितने लोग वोकैबलरी में और मेरे को भी इतना पता है आप लोग तो बड़ा भयानक वाली वोकेबलरी जानते हो मतलब द वे आई हैव है वोबलरी देअर माई गॉड मैंने तो एक को लिख भी दिया था आई होप यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस मी है ना ये स्टडी इवन आई रॉट इन द ग्रुप दैट आई होप दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस मी बिकॉज द वे द पीपल आर यूजिंग दुकेबलरी

यानी एक साइड से दूसरी साइड भागा वो ठीक है ना तो रैन अक्रॉस बोलेंगे ठीक है ये ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट आ जाइए और अब चलाएंगे हम वो कैबलरी का महासंग्राम अब इसमें हर तरह की वो कैबलरी है गाइस है ना इसमें हर तरह की वो कैबलरी है ये ध्यान रखिएगा चलिए जल्दी बता दीजिए दोस्तों आ जाइए और जल्दी बता दीजिए क्या है आपके पास हाँ जी आ जाइए अगर ट्रेटर डेजर्टर है यानी ट्रेटर होते हैं गद्दार डेजर्टर भी होते हैं जो छोड़ के भाग जाते हैं और रेनी भी होते हैं गाइस जो धोखा देते हैं ये जो चीटर होते हैं तो आपका जो आंसर है वो बनेगा डी फॉर डेली इंसर्जेंट यानी जो किसी के खिलाफ हो जाते हैं विकास अच्छा स्कोर है सब लोगों का अच्छा स्कोर है यार एक बार टोटल कैलकुलेट करेंगे वो कैबलरी में हम कैसे हैं जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास और काम बहुत ज्यादा है एटिकेड अगर प्रोटोकॉल एटिकेट मतलब एक शिष्टाचार फॉलो करना और प्रोटोकॉल भी एक शिष्टाचार होता है तो स्टैच्यूट होती है आपकी एक तरह से स्टेच्यूट होते हैं वो जो लॉ होते हैं ना जिनको हम लॉ बोल सकते हैं तो उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिक्री डिक्री मतलब होता है आदेश अच्छा थोड़ा टफ वर्ड रहेंगे यार कोई ऐसा नहीं है कि घूमने फिरने आए हम ठीक है ना तो वर्ड स्टैंडर्ड के रहेंगे इससे ऊपर कहीं नहीं आ सकता ये कन्फर्म है मतलब इससे ऊपर का स्टैंडर्ड आपके एग्जामों को तो टच नहीं करेगा ये तो कंफर्म है हंड्रेड एंड वन परसेंट तो अगर आप ये लेवल क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत ही सॉलिड हो जाएगा चलिए आ जाइए एलाई एलाय अगर एनिमी है एलाय मतलब होता है साथी ठीक है एलाय होता है साथी अगर वो एनिमी है तो इसका मतलब वो ऑपोजिट है और एनोनिमस होता है गाई जब किसी का नाम ना पता हो बेनाम ठीक है ना एनोनिमस क्या होता है बेनाम तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा फेम इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा फेम ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए आ जाइए नेक्स्ट की तरफ बढ़िए एक बार मैं आंसर लगा देता हूं इसको आप इंसर्जेंट ले सकते हैं ठीक है ठीके? यहां पर आप स्टेच्यूट का सिनोनिम डिग्री ले सकते हैं यहां पे एनोनिमिटी का ऑपोजिट बताना था वो फेम था राइट right? चलिए नेक्स्ट वर्ड चलिए अच्छा सारे वर्ड मैं नहीं बताऊंगा मैं फिर क्लियर कर रहा हूं सारे वर्ड बताने का आज वाला टाइम नहीं है और फ्राइडे या सैटरडे एक सिक्सटी का राउंड चला करेगा जिसमें अगर आपने कर लिया गाइस सिर्फ वो तो मैं गारंटी देता हूं आप अच्छा कर पाएंगे अपने किसी भी पेपर में राइट चले लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस ठीक है तो ये होता है आपका क्या एन जेसिया एन जेसिया होता है गाइस जब कोई इनएबिलिटी टू फेल पेन ठीक है तो कोई जब पेन फील नहीं कर पाता वो होता है डिसलेक्सिया राइटिंग से रिलेटेड है ना रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर होता है एमनीजिया सर पे डंडा पड़ गया एमनीजिया लॉस ऑफ मेमोरी हो गया है ना और एम्ब्रोजिया होता है भगवान का प्रसाद यानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं चलिए आइए नेक्स्ट वन लीजिए थर्टी फाइव जो ऑस्टियर लाइफ जीते हैं जल्दी बताइए इसमें कौन है वो ऐसे लोग जो ऑस्टियर लाइफ जीते हैं ऑस्टियर मतलब बहुत कठिन जीवन बहुत टफ बहुत ही रूल रेगुलेशन भरा चलिए चारों वर्ड बार बार बता चुका हूं मेरे कुछ दोस्तों को चारों वर्ड पता है यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं यहां ग्रुप में जो इसके सिनोनिम्स के साथ वर्ड बता देंगे मेरे को ठीक है ना ये ध्यान रखना ठीक तो यहां पर आ गया एक तरीके से एसेटिक है ना वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ ये क्या हो जाएगा एसेटिक राइट चलिए वेरी गुड लीविंग अ लाइफ ऑफ एन एसेटिक मतलब एक ऐसा जीवन जीना वेयर यू आर शोइंग अ लॉट ऑफ ऑस्टियरिटी एंड यू आर लीविंग दैट कांड ऑफ लाइफ वेयर यू आर यू नो लाइक प्रॉबली नॉट इंजॉइंग दी लग्जरीज चलिए नेक्स्ट वन बताइए गाइस शॉर्ट वर्ड फिक्स ऑन टू दी एंड ऑफ अ गन एक जो तलवार है आपने अंग्रेजों के टाइप में देखी होगी जब बुलेट खत्म हो जाती थी वो तलवार चलाते थे है ना और वो बंदूक के आगे लगी होती थी तो एक जो लंबा सा नाइफ है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये ध्यान रखिएगा गुरमे होता है जिसको बहुत ही इंजॉय ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट सब बोलते हैं चलिए शॉर्ट्स सेलिबेसी सिर्फ सेलिबेसी अलग लाइफ होती है गाइस है ना सेलिबेसी अलग लाइफ होती है in thing, है वेयर पर्सन इज नॉट इन एनी मैरिटल थिंग ठीक ये ध्यान रखना शीतल अभी नहीं बता पाऊंगा मैं फिर बोल रहा हूं आपको यार सारे मीनिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है चलिए शॉर्ट वोर्ड फिक्स ऑन टू दी एंड ऑफ दी गन इट इज कॉल्ड बेओनट ठीक है इट इज कॉल्ड बेओनट ठीक है ये ध्यान रखिए मैशीटी एक चाकू होता है डैगर एक चाकू होता है स्केल्पेल जो होती है वो डॉक्टर्स के पास होती है जिससे वो ऑपरेशन ऑपरेशन करते हैं ये ध्यान रखिएगा चलिए यहां पर आंसर आया बे और नॉट चलिए नेक्स्ट वन बताइए हैविंग डाउट्स एंड रिजर्वेशन यानी जब आपको थोड़ा डाउट हो किसी चीज पे संदेह हो या थोड़े आपके मन में कुछ अटके क्या बोलते हैं अटकल चल रही हो कि ठीक है कि नहीं है सही है कि नहीं है ठीक है ये ध्यान रखिए चलिए बताइए थर्टी सेवन नंबर क्या हो सकता है वॉट कुड बी दी बेस्ट आंसर फॉर थर्टी सेवन यस गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर द आंसर थर्टी सेवन हैविंग रिजर्वेशन और द डाउट ठीक है ना हाउ मेनी क्वेश्चन आर टूडे 60 60 चलिए ये होगा स्कैप्टिकल आई डू नॉट वॉन्ट एनी टू बी स्कैटिकल अबाउट बी स्कैप्टिकल अबाउट योर फ्यूचर इफ यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ ट्राइंग लेवल बेस्ट तो आप अच्छा ही करेंगे तो स्कैप्टिकल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेकर डाउटफुल हो प्लाजोरिज्म होता है गाइज जब आप किसी की नॉलेज की चोरी करें कॉन्फिडेंट होता है जो आपका भरोसेमंद बंदा होता है जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो और कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी सबको ही पता है ठीक है ये ध्यान रखना ठीक है यूजिंग योर प्रायर नॉलेज टू कंस्ट्रक्ट न्यू वन आ जाइए नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों क्या बोल सकते हैं इसको एनएक्स अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून एन एक्स अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है विंडफॉल फिलैंथ्रॉपी बेनीवलेंस टन स्टाइल येस डू इट फास्ट डू इट फास्ट प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन एंड स्प्रेड इट टू अदर पीपल please make sure that we all like the session and spread it to other people or I'm happy to see your reply good Arnav Nidhi Priyanka very nice here now very very nice of reply there is and all other people Windfall profit Windfall profit ka at love job unexpected mail right I got a bag you know lying somewhere of 10 lakh rupees I got a Windfall profit और सपोज यू नो ह्यूज सक्सेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड शी और ही गॉट विंडफॉल प्रॉफिट ओके उसको बोलते हैं चलिए नेक्स्ट वन लीजिए 39 नंबर और 40 नंबर और 41 नंबर कोई नहीं यार धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन प्लीज शेयर योर रिस्पॉन्स ऑन दिस इनकेपेबल ऑफ बींग सींग थ्रू ठीक है ये yes, हनी सही बोल रहे हो विंडफॉल इज अर काइंड ऑफ अ लॉटरी प्रॉफिट टाइप ऑफ थिंग चलिए वेरी नाइस यार वेरी नाइस इनकेपेबल ऑफ बीइंग सींग थ्रू क्या होता है गाइस दैट इज ओपीक है ना इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों ओपीक और जो आसानी से खुश ना हो वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग थिंग जिसको नकचड़ा बोलते हैं ठीक है ना? वो होते हैं फेस्टिडियस मैंने बोला यार बहुत फेस्टिडियस है ये है ना जल्दी से खुश नहीं होता चीजों को लेके राइट right? तो fastidious. और अपने आप से से बात बात करना अपने आप आप करने को आप बोलते हो सोली लॉकवी अपने आप से बात करने को आप क्या बोलते हो सोली लॉकवी सॉली लॉक इज वन वे वेर यू कैन इंप्रूव योर हेजिटेशन वेर यू कैन यू नो वर्क ऑन योर हेजिटेशन कैन गेट रेड ऑफ इट ओके तो सोलिलॉक वी करना शुरू करिए बाय टेकिंग वन टॉपिक ऑन डेली बेसिस स्पीक फॉर फाइव टेन मिनट दैट विल हेल्प यू टू गेट रेड ऑफ योर हेजिटेशन राइट चलिए नेक्स्ट वन बताइए जल्दी से फोर्टी टू फोर्टी थ्री और फोर्टी फोर जल्दी बता दीजिए दोस्तों वॉट इज द बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई फॉर द तुनक बिल्कुल सही बोला फास्टिडियस का हिंदी मीनिंग तुनक मिजाज। फसी यस फसी बोला ठीक है यार फसी हो गया फास्टिडियस हो गया फिनिकी हो गया ये सब बहुत नक चढ़े बहुत ही ज्यादा जल्दी से खुश नहीं होते चीजों से मैकबैथ यस चलिए आइए हां जी लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड मे बी एंटाइटल टू अगर वाइफ का हस्बैंड से लीगल सेपरेशन हो जाए तो इनमें से क्या चीज मिलती है उसको उसको मिलती है एली मनी उसको क्या मिलती है दोस्तों एली मनी राइट right? ये ध्यान रखिएगा अच्छा नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास क्या है अ शॉर्ट यूज एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल इवेंट ऐसी स्टोरी को हम क्या बोलते हैं राइट right? आपने बहुत सुना है ये वर्ड एनेकडल एविडेंस राइट रोज की जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं दैट इज कॉल्ड एन राइट ये ध्यान रखना और गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट और गवर्नमेंट विच इज अरिस्टो तो होता है नोबल लोगों की गवर्नमेंट राइट right? ऑली होता है की है ना दियो होता है गॉड की तो ये तीनों के तीनों नहीं है ये है सेसर डॉटल ठीक है हमारा आंसर क्या है सेसर डॉटल राइट ये ध्यान रखिएगा चलिए तो फोर्टी फोर में हमारा जो आंसर बना दोस्तों वो बना डी फॉर डेली फोर्टी फोर में क्या आंसर बना डी फॉर डेली ये ध्यान रखना फोर्टी फोर में फैला है भ्रष्टाचार फोर्टी फोर में लोगों ने फैला दिया टोटल भ्रष्टाचार राइट right? चलिए आ जाइए देख लेते आगे हां जी फोर्टी फाइव और फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव और फोर्टी सिक्स जल्दी बताइए थोड़े थोड़े टफ वर्ड भी है गुड मॉर्निंग सर लेट टुडे। आई होप मेरे जाने से पहले आ गए <laughs> चलिए सब में पोपट आ जाइए दोस्तों देख लीजिए एक बार क्या है यार इसमें सिवियर डिजर्व पनिशमेंट इज यानी किसी को एक डिजर्व पनिशमेंट दी गई ठीक है उसको बोल सकते हैं राइट चलिए तो क्या होगा ये ये होता है गाइस रेट्रीब्यूशन रेट्रीब्यूशन को एक तरीके से बदला या अगर मैं बोलूं कॉम्पनसेशन इस टाइप में भी बोल सकते हो अरे रिपार्टी तो होता है यार किसी को कड़ा उत्तर देना रिपार्टी इज अ अटेड रिप्लाई है ना मैंने कहा आई हैव गिवन हिम अ वेरी गुड रिपार्टी मेरे को बोल रहा था कुछ मैंने कहा भाई अपना तो देख लो हालात है ना जैसे लोग आते हैं सोशल मीडिया पे हमें भी बोलते हैं यार तुम ये तुम वो मैंने कहा यार तुम अपना सिचुएशन देखो आई एम डूइंग ग्रेट आई एम गोइंग गुड

यस yes, सोनी शर्मा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं पेइंग बैक इन द सेम क्वाइन रिप्राइजल यस वी कैन ऑल्सो से रिप्राइजल चलिए आ जाइए टेक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं इसको और यहां पर ये आ गया रेट्रीब्यूशन नेक्स्ट वन देख लीजिए जल्दी से फोर्टी सेवन फोर्टी एट और फोर्टी नाइन यार ये हेलू है ध्यान रखना ये हेलू शन ये आगे कट रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं हेलुसिनेशन 47 में देखिए वो कह रहा है देर आर टू मैनी डैश नॉट एनफ सीरियस स्टूडेंट्स देर आर टू मैनी डैश नॉट एनफ सीरियस स्टूडेंट क्या आंसर आएगा वो देखते हैं और चूज दी वन आउट इल्यूजन एल्यूजन डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन और अगर गैरुलस पीच है तो पग्नेशियस क्या होगा टॉपियरी होता है विवेक जब चीजों को बहुत ऑर्नामेंटल बनाया जाता है यानी मानिए एक पेड़ को बहुत अच्छे से काट कर उसको एक डिजाइन में बना दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड टॉपियरी, राइट ये ध्यान रखना चलिए देर आर टू मैनी मेरे को कई बार लगता है गाइस कि देर आर टू मैनी डिलेटेंटेज डिलेटेंटेज होते हैं गाइज नॉन प्रोफेशनल यानी जो किसी भी प्रोफेशन में नहीं होते बस घूमने फिरने आते हैं उनका कोई टारगेट नहीं होता है ना दे आर दी नॉन प्रोफेशनल गाय देर आर सो मैनी डिले टेंटेज ठीक है ये ध्यान रखना नॉट एन अफ सीरियस स्टूडेंट इसको हम एमेचर भी बोलते हैं इसको हम एमेचर भी बोलते हैं ये ध्यान रखिएगा ठीक है इसको हम एमेचर भी बोलते हैं तो देर आर टू मेनी डेलेटेंट इज नॉट सीरियस स्टूडेंट यानी बहुत सारे शौकिया तौर पर लोग देखते हैं वीडियो को उनमें से बहुत कम लोग होते हैं हु आर सीरियस फॉर देयर करियर राइट एंड दैट इज द रीजन वाई दे लिव अ पैरिपटेटिक लाइफ और यही रीजन है गाइस कि वो लोग एक चैनल से दूसरे चैनल वो सारी दुनिया को देखकर जीना चाहते हैं ऐसा तो नहीं वहां पर किसी ने दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दियो

तो इल्यूज कहते हैं ना इल्यूजन है इल्यूजन भी आपने सुना होगा गाइस डिल्यूजन सुना होगा और हेल्यूसिनेशन भी बोल सकते हैं ठीक है ये ध्यान रखना तो अगर मैं बोलूं क्या है इल्यूजन डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन इन सब का मतलब है एक तरीके से भ्रांति भ्रम एक तरीके से काइंड ऑफ यू नो यू आर यू नो गेटिंग थिंग्स विच यू आर नॉट एबल टू वॉच एंड सी तो उसको बोल सकते हैं ये जो एल्यूजन्स होते हैं अगर किसी ने लिटरेचर सुना हो लिटरेचर देखा हो सॉरी या लिटरेचर पढ़ा हो तो उसमें बोलते हैं ना द एल्यूजन गिवन बाय शेक्सपियर वर वेरी गुड एल्यूज मतलब उदाहरण एग्जाम्पल्स ठीक है तो एल्यूजन्स का मतलब होता है उदाहरण एग्जाम्पल उसको बोल सकते हैं तो हमारा जो ऑड वन आउट है फोर्टी नाइन में वो है बी फॉर बॉम्बे तो द ऑड वन आउट इन फोर्टी नाइन इज बी फॉर बॉम्बे ये ध्यान रखना चलिए अगर गैरुलस स्पीच के रिलेटेड है गैरुलस बहुत ज्यादा बोलता है तो वो स्पीच के रिलेटेड है और पग्नेशियस क्या करता है दोस्तों दस बार बताया मैंने पग्नेशियस क्या करता है लड़ने को रहता है तैयार अभी दो क्लास पहले भी हमने पग्नेशियस वर्ड देखा था वेयर पीपल वर फाइटिंग जहां पर लोग आपस में लड़ाइयां कर रहे थे राइट तो ये हो गया फाइट एक बार आंसर लगा लीजिए यार है है। और यहां पर fight है। आ जाइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए मेरे पास ग्यारह क्वेश्चन है और मेरे पास छह मिनट है रेडिकल अगर रिलेटेड है मॉडरेट से तो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा देखिए अगर मैं बात करूं रेडिकल तो रेडिकल होता है बहुत ही एकदम तेज मतलब जिसको क्या बोलते हैं रेडिकल चेंजेस और रेडिकलाइजेशन हो रहा है यानी चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है है ना और मॉडरेट होता है एवरेज अगर मैं बोलूं तो रेडिकल बहुत तेजी से होने वाला और मॉडरेट होता है एवरेज तो इसका मतलब ये ऑपोजिट है और रेवोल्यूशन होता है क्रांति या किसी के खिलाफ हल्ला बोल ठीक है ना ये ध्यान रखना ओके सौरभ मिश्रा जी बात समझ आ गई आपको वेरी नाइस nice. चलिए अगर रेवोल्यूशन लू तो रेवोल्यूशन ऑपोजिट होगा पीस के रिलेटेड रेवोल्यूशन का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा पीस के रिलेटेड कोई नहीं यार सेवन रोंग गए कोई नहीं आगे बढ़िए देखिए और आगे क्या कर सकते हैं चलिए सेंस ऑफ टच के लिए हम बोलते हैं गाई टेक्टाइल ठीक है जिसको हम टेंजिबल भी बोलते हैं टेक्टाइल या टेंजिबल जो टच के लिए होता है ऑल फैक्ट्री सेंस ऑफ स्मेल के लिए बोला जाता है ये स्मेल के लिए है ठीक है ये ध्यान रखना ये टच के लिए है रिटायरमेंट कैन आइदर बी डैश टू एन एज और एन अपॉर्चुनिटी लाइक फॉर न्यू एडवेंचर रिटायरमेंट या तो एक क्या हो सकती है एज के डैश हो सकती है और एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो गाइज या तो रिटायरमेंट हो सकती है क्या हमारा हम लाइफ के आगे क्या कर दे सरेंडर कई लोग ये मानते हैं रिटायर हो गए तो चलो अब हरिद्वार और कई लोग ये मानते हैं रिटायर्ड हो गए तो चलो करो इंजॉय क्योंकि अब काम तो कुछ करना नहीं तो so, कई लोग रिटायरमेंट को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं कई लोग मानते हैं कि वो सरेंडर है और कई लोग मानते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी है सेटबैक नहीं यार सेटबैक नहीं रिटायरमेंट सेटबैक नहीं है हाँ कई बार ये मान सकते हो कि वो एज के आगे क्या है हमारा सरेंडर है टू एन एक्सटेंट बोल सकते हो चलिए नेक्स्ट वन उठाइए दोस्तों बूढ़े लोगों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है मैंने शायद अभी अभी रिसेंटली बताया था इनमें से बूढ़े लोगों के लिए कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करते हो जल्दी बता दो बूढ़े लोगों के लिए कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करते हो चलिए न्यू टर्म फॉर दी ओल्ड पीपल नाउ अ डेज गाइस ये एक नई टर्म जो है वो है जेरियट्रिक इसको जेरेंटो भी पढ़ते हैं और मैंने शायद अभी रिसेंट वीडियो में ही पढ़ाया था किसी को जेरेंटो पढ़ते हैं जेरियट्रिक होता है गाइस ध्यान रखना तो अगर मैं बोलूं बी फॉर बॉम्बे जेरेंटो ठीक ध्यान रखिए वो होते हैं जो सठिया जाते हैं बूढ़े लोग जो सठिया जाते हैं ठीक चलिए फिफ्टी फोर देखिए एन एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी ये होता है गाइज अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी करना सपोज इफ आई एम डूइंग एनी अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी आई माइट बी आउट फ्रॉम केक्ड मंत्र राइट सो एनी अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी सपोज आई एम प्रमोटिंग माय ओन थिंग्स एंड डूइंग दैट दैट एंड सो दोज दोज आर आर नॉट अलाउड अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड अथॉरिटी राइट चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाइए जल्दी से मेरे पास सिर्फ तीन मिनट बचे हैं दोस्तों मेरे पास तीन मिनट बचे हैं तीन मिनट में खत्म करना है हमें चलिए दैट समथिंग विच इज इनकैपेबल ऑफ रिपील्ड और बैक एक ऐसी चीज जिसको ना तो आप खत्म कर सकते हो ना उसको वापस ला सकते हो ऐसी चीज होती है ई e रिवोकेबल ऐसी चीज क्या होती है दोस्तों ई रिवोकेबल ई रिवोकेबल कौन से होते हैं जो वापस नहीं लिए जा सकते जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ठीक है ना अगर मैं बोलू जिसको वापस नहीं ले सकते जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ए वो केवल कॉन्ट्रेक्ट और गाइज नेक्स्ट देखिए शोइंग इंटेंस फीलिंग और फरवर ये होता है वेहमेंट वेहेमेंटली अपोजिंग दईडिया अगर आप किसी भी आइडिया को बहुत वेहमेंटली अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जोर शोर से अपोज कर रहे उसको फार्मर्स आर वेहीमेंटली अपोजिंग ऑफ न्यू फॉर्म वेल्स यानी जोर शोर से किसी को अपोज करना राइट चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए गाइस इसके बाकी वर्ड भी आप ट्राई कर सकते हैं घर पे ठीक है ना इसको बाकी वर्ड भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं ठीक है अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें चलिए यानी आप ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो जितना नहीं जैसे कई बार बोल देते हैं यार कमेंट्स में भी मैंने देखा है कई बार बोल देते हैं सर आप इधर उधर की बकवास बहुत करते हो है ना तो इधर उधर की बातें मत करा करो जरा पॉइंट पे रहा करो मैंने कहा यार चलो पॉइंट पे रहा करेंगे बट कई बार निकल जाती है इधर उधर की बातें है ना तो अगर मैं देखूँ तो इसको हम बोलते हैं वर्बोस है ना बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों वर्बोस और अ मूवमेंट विच इज नॉट अप्रोप्रिएट और टाइम्ड वेल एक ऐसी मूवमेंट जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है टाइम्ड वेल well नहीं है ऐसी मूवमेंट को आप क्या बोलेंगे ये होता है मूवमेंट्स इन इनऑपर्च्युन मतलब जैसे अपॉर्च्यून टाइम होता है ना वो बोलते हैं कि राइट right टाइम है है ना तो इसको बोलेंगे इन अपॉर्च्यून ठीक है ये ध्यान रखिएगा चलिए आज के लास्ट दो वर्ड हैं आपके सामने और उसको देख लेते हैं हम क्या है ठीक है आज के लास्ट दो वर्ड हैं दोस्तों और उसको देख लेते हैं कि हम क्या है ग्लटन अगर विल पावर रखता है ग्लटन अगर विल पावर रखता है तो कौन क्या रखेगा ग्लटन होता है गाइस पेटू P2 के पास अगर विल पावर है तो इसका मतलब वो बहुत कंट्रोल करके उसने रखा है अपने आप को ठीक है और यहां पर यानी ऑपोजिट ढूंढना है तो कॉवर्ड के पास क्या हो जाएगा करेज कॉवर्ड के पास क्या हो जाएगा करेज राइट चलिए इनफ्लेक्सिबल अगर लिंबर है लिंबर मतलब होता है एक तरीके से लचीला तो फेलियर जो होगा गाइज वो क्या होगा फेलियर आपका अचीवमेंट होगा राइट चलिए आज मेरे पास इतना ही था आ जाइए जल्दी यार अब संदीप सर आएंगे हमारे पास और वो अपने ज्ञान का प्रकाश आप पर फैलाएंगे है ना विद द रीजिंग रोशनी यार आ जाइए जल्दी से संदीप सर को बुला लेते हैं आ जाइए और शुरू करते हैं दोस्तों ठीक है जल्दी से शुक्रिया है आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद है आने के लिए आई होप यू एंजॉयड दिस सिक्सटी क्वेश्चन और अगर आपके पचास के करीब नंबर आए हैं यू आर अ ग्रेट ऑडियंस यू आर अ वेरी नाइस ऑडियंस ओके चलिए बबाई गाइस थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए एंड गिविंग योर टाइम ओके बबाई गाइस सेवन रॉन्ग कोई दिक्कत नहीं चल सकता है आ जाइए थैंक यू बबाई गाइस क्या रहे अपना स्वागत मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राहुल और मैं आपको बताऊंगा की हिंदी को कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करिए जाए तो मिलते हैं अध्ययन में डॉक्टर शायद अली पढ़ाने के लिए विज्ञान आसान तरीके से जिससे आप अपना अच्छे से एग्जाम पास कर सकेंगे पूरे में पूरे नंबर ला सकेंगे मैं आ रहा हूँ आपको इतिहास पढ़ाने हिस्ट्री रचेंगे हिस्ट्री को रच देंगे नंबर लाएंगे पूरे में से बच्चा पार्टी मैं संदीप सिंह आपकी रीजनिंग की फैकल्टी इस बार आपको दिलाने आ रहा एस बी में बीस में बीस तो चलिए करते हैं रीजनिंग का सारा फंडा क्लियर हेलो एवरी दिस इज दीपक हेयर मैं आ रहा हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने डी ट्रिपल एस में इस बार हमारा टारगेट है बीस में से बीस और मैं गजेंद्र सिंह आ रहा हूँ आपको ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सो बी रेडी टू स्कोर बेस्ट इन ज्योग्राफी जी नमस्कार मैं कौशल सारस्वत मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए फिजिक्स जिसमें आप करेंगे अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर जी मैं आ रहा हूँ आपको मैथ्स पढ़ाने और आप आए जय के साथ विजय पाने जय भारत